प्रशासन के एडीआरएम आज गुना पहुंचे रेलवे स्टेशन का जायजा लेने, जहां पर उन्होंने कई अनियमितताएं पाए जाने पर उनको जल्द से जल्द सुधार करने की बात भी कही। वहीं रेलवे कर्मचारियों को वेतन संबंधी दिक्कत आने पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दिक्कतों को दूर कर वेतन समय पर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता के पूछने पर कि रेलवे के द्वारा वेतन में इतनी अनियमितताएं क्यों पाई जा रही हैं और अभी तक वेतन क्यों नहीं मिला, इस पर डीआरएम ने कहा कि 10 दिन के भीतर उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। वहीं कर्मचारियों से उनके अकाउंट डिटेल मांगी गई है, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। सर, ये कर्मचारी द्वारा यहाँ पर फिर बताया गया है कि यहाँ पे लोको फोरमैन को बार बार सूचित करने के बाद भी शिफ्ट बंद की जा रही है, पर लोको फोरमैन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ठेकेदार पर। अभी उनको भी इंस्ट्रक्शन राइटिंग में मैंने दिए हैं, आप थोड़े दिन इंतजार करें, एक हफ्ते का समस्या का निदान होगा। और सर, यहाँ पे 200 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट किया जा रहा है, पर सैलरी एक्चुअल में और कुछ है। उसमें भी ये है कि इनको बैंक के अकाउंट के थ्रू करना है, बैंक अकाउंट में पेमेंट करना है। पर कर्मचारियों की बिल्कुल बैंक में अकाउंट नहीं आ रही, ना इनका पीएफ का पता, ना सैलरी अकाउंट टाइम पे आ रही, अकाउंट में भी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आ रही। सर, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने इंश्योर की है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये नहीं हो रहा है तो उसमें हम इंश्योर करवा देंगे। सर, पेमेंट तभी होगा जबकि उनके अकाउंट नंबर बन जाएंगे, अकाउंट खुल जाएंगे और उसी अकाउंट में ही उनके पैसे जमा करेंगे। सर, ये हमारे कुछ कर्मचारी भी खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ पर सभी का यही कहना है कि हमारा 3 महीने पे पेमेंट बिल्कुल नहीं आया, ना हमारा पीएफ कट रहा, ना हमारी ईएफआईपी हो रही, किसी भी चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज ही पता लगा है, आज ही मैंने इसमें राइटिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप थोड़े दिन इंतजार करें, अगले हफ्ते 10 दिन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।